गायघाट विधानसभा के आरजेडी नेता सह जिला राजद के प्रधान महासचिव निरंजन राय के नेतृत्व में गायघाट प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आज राजद के कार्यकर्ताओं ने दौरा किया, जिसमें मैठी पंचायत के पचगछिया मोहम्मदपुर सूरा पंचायत, जारंग पूर्वी के गायघाट जारंग, पश्चिमी पंचायत के टेकुना बरुआरी पंचायत, बलौर निधि पंचायत, बलौर भगवानपुर लदौरा आदि पंचायत के विभिन्न इलाकों का दौरा किया गया। बाढ़ के पानी में डूबे हुए घरों, टूटी हुई सड़कें तथा धान के फसलों के डूब जाने पर आरजेडी नेता ने दुख जताया और कहा कि इसका मूल्यांकन कर उचित मुआवजा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अविलंब राहत सामग्री एवं प्लास्टिक त्रिपाल आदि देने की जरूरत है। जिलाधिकारी को इस मामले में गंभीरता से और अविलंब कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी मोहम्मदपुर सूरा पंचायत के सूरा गांव में है, यहाँ की स्थिति बड़ी भयावह है। यहाँ से रास्ता जब रुकते हम लोग पानी में घूम करके देख रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उस तरफ देखते नाव से लोग जा आ रहे हैं। नाव की बड़ी कमी है अपने यहाँ, और यहाँ राशन प्लास्टिक सब की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी जा रहे हैं प्रखंड प्रशासन से, वीडियो साहब से बात करेंगे, और अगर वहाँ से व्यवस्था हो जाती है तो फिर हम डीएम साहब से मिलकर के यहाँ की स्थिति सहायता कराएंगे।